सो वेलकम टू मैनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे, मैं तो बढ़िया हूँ। सो भाई आज का डेट मैं आपको बता देता हूँ, आज है 12 तारीख और आज के दिन हम करवा रहे हैं घर में पेंटिंग, तो मतलब आज से शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि भैया कौन कौन सी जगह है जहाँ पर पेंटिंग करवानी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई ये रिपेयरिंग हमने करवा रखी है यहाँ की और यहाँ की, देख रहे हो यहाँ पर पूरी पेंटिंग करवानी है इधर की साइड भी। ये मैं और जगह दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पेंटिंग करनी है, पर आपको लग रहा होगा कि भाई ये चीज मैंने दिखा रखी है, पर मेन बात ये है कि भाई आपको बाहर बता दो। चलो रुको, पहले बाहर से इधर का पूरा चीज दिखा दूँ। ये देख लिया, इधर की साइड भी करना है और उधर की साइड भी करना है जो दिख रहा है आप सबको, और यहाँ पर इधर ये पूरा का पूरा देख रहे हो। और भाई डिसाइड ये हो रखा कि ना यहाँ पर हम पेंटिंग पूरे रूम की कराएंगे, मतलब पूरा रूम देख रहे हो, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर पेंटिंग होगी, क्योंकि इधर का भी निकालेंगे। पर इसके लिए मैंने मना कर दिया कि भाई इसे मत निकालना, ये दीदी ने बना रखा है, देख रहे हो बिल्कुल कितना मस्त लग रहा है, ये दीदी ने खुद बना रखा है हैंडमेड। तो ये चीज निकालने के लिए मना कर रखा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ कवर कर देंगे और यहाँ का पूरा निकालेंगे, इधर का। इसको जाना अंदर पर, और इसकी भैंस की यहाँ कितने बच्चे चाहिए देखो, और भैया इधर की भी पेंटिंग करवानी है यहाँ पर भी। तो इसकी भैंस के पापा जा रखे हैं बाहर सामान लेने के लिए, वैसे मैं जा रहा था तो अंकल का कॉल आया जो पेंटिंग करने के लिए आएंगे, तो उन्होंने सामान के लिए पापा को बुलाया है पेंटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो भैया मैं सैनिटाइज कर देता हूँ, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना, ये मैं सोचो कि कोई बात नहीं आसपास, वैसे हमारे नेबर हैं जो करेंगे। तो भाई ये जो काम चल रहा है हमारा, ये चल रहा है ठेके पे, तो मतलब वो बंदे जो आएंगे करने के लिए वो सुबह भी करेंगे और रात में भी करेंगे, उनको हमने टारगेट दे रखा है 3 दिन का या 2 दिन का कंप्लीट करके देंगे। तो मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा अभी, वैसे तसला मंगवाया था। मम्मी बताओ ये बंदर को कहाँ रखना है, इसकी जगह में तो ये चूजे आके दोनों के दोनों ही छोटा है लोगों, तो कहाँ रखो इनको, बाहर कमरे में, बाहर कमरे में रख देता हूँ चूजों को और इसको डालता हूँ अंदर। भाई इधर का भी करवाओगे क्या, बाहर का इधर का भी करवाओगे, पेंटिंग यहाँ की तो हो ही नहीं पाएगी। तो कह रहा हूँ फिर इसमें तो यहाँ पर होना तो मुश्किल है। एक को तो रख दिया, अब इस वाले को रख रहा हूँ, अब इस वाले कमरे में रहेंगे बंद, तो बेड में उसे तक कुत्ते रहेंगे भैया, पर छोटे से कुत्ते। तो भाई मेरे फेस का हुलिया देख के आप सब भी कह रहे होंगे भैया कब तू बियर्ड चेंज करेगा, कब तू चेंज करेगा, तो मैं अभी करता हूँ जब तक बाहर का काम चल रहा है। सो अब बताओ कैसा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ तो भैया कमेंट करके बताना। और आज थोड़ी सी चेंज करा है मैंने, अपनी जो नीचे की बियर्ड है इसको थोड़ी सी ज्यादा रखी है मैंने, और इधर की साइड का हल्की हल्की कर दिया। मैं चलता हूँ नीचे और आपको दिखाता हूँ कि भैया कितना काम हुआ है। सो भी हो रही है पट्टी, बाहर की साइड से करना पड़ता है उसको रिपेयर। जैसे आपने व्हाइट कलर का ही लगाया है, इसके बिना अगर हम पेंट करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर हो रहा है। अच्छा मेन उसके लिए भी होता है ना कि क्लीन करना होता है, जैसे इसको एरिया को पूरा क्लीन करने के लिए, तो अपना नाम बताना एक बारी। मुकेश कुमार, और अगर ऐसे किसी को पेंटिंग का काम कुछ करवाना हो तो आप करेंगे ना, तो आप नंबर दे दीजिए अपने, जैसे काफी जनों को भी जरूरत पड़ रही होगी किसी को, तो जरूरत के लिए अपना नंबर बता दीजिए। 99 71 60 39 72 39 72। तो इस नंबर पे आपको कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना भैया? क्या बोलते हैं भैया इसको वैसे? पुट्टी। अच्छा पुट्टी कहते हैं पीओपी। तो इसका पूरा घोल बनाना पड़ता है हार्ड करने के लिए बिल्कुल, और इसको ज्यादा इसको कम, इसको कम इसको ज्यादा। तो कभी भी किसी को काम कराना हो तो भैया को कॉल कर सकते हैं, मुकेश नाम है इनका, तो नंबर में स्क्रीन में आ जाएगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भैया अभी भी चल ही रहा है काम, अभी टाइम लगेगा। आज में क्या होगा, सिर्फ पुट्टी करेंगे, बाहर की जो व्हाइट कलर की लेयर लगाते हैं ना वो लगाएंगे, तो उसको लगाने में आज देखने कितने बजते हैं, बाकी पेंटिंग शायद आज रात से शुरू हो जाएगा या फिर कल से, क्योंकि मेन बात यह है कि ठेके पे दे रखा है हमने काम, तो ठेके पे उनकी सिरदर्दी है कि वो कब तक करके देते हैं। अगर आपको अमाउंट जानना है तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो पता चल जाएगा कितने पैसे हमने लगा रहे हैं। तो तब तक मैं जानूं जरा ये बना रखा है वैसा। वाह
क्या बात है, आलू गोभी की सब्जी। वैसे आलू गोभी की सब्जी जो मम्मी बनाती है बहुत अच्छी बनाती है, मम्मी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। मैं जैसे कभी कोई ओकेशन है तो मम्मी सब्जी बनाती है आलू गोभी की, तो उसकी तारीफ होती है। सुनील को पसंद आती है आलू गोभी की सब्जी। सुनील भाई को जो मेरे साथ गए थे हॉन्टेड ब्लॉग में वो, और विनोद भाई को भी तो पसंद आती है। विनोद भाई पंगा लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं हमेशा, क्योंकि बनाती है मम्मी अच्छी है। नहीं तो एक होता है काफी जने बनाते हैं वो रूखा सूखा सा टेस्ट आता ही नहीं, पर है कि मम्मी मसाले अच्छे डालते हैं, मस्त बनाते हैं। अगर आपको जानना है कि मम्मी कैसे बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी तो भैया कमेंट कर दें। मैंने कर रखा है अपने क्लास का अरेंजमेंट और लैपटॉप, और ये रहे हमारे चूजे, इधर ही पिटेंगे एक दूसरे को। तो भैया पापा मंगा रहे थे करने, ये तो अपनी है तो पापा को दे देता हूँ। अरे कहाँ भाई लगा रहे हो, तो आपने अभी लगाया क्या उसमें? अच्छा ये इधर की साइड ही, हाँ ये रिपेयर करना वैसे ही बनी रहे। हाँ इधर की साइड तो सही कर दिया आपने, लगा दिया, हल्का फुल्का नीचे की साइड में रह रहा है। अभी दिखाऊंगा बाहर का आप सबको। तो अभी रोटी बननी शुरू, तभी कह रहा हूँ खुशबू सी आ तो रही है इसकी गिलोई की। कम दिया जरा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, जरा कम ही खाऊंगा। तो आपने एक खीरे का बना दिया रहता है, देखो ये वाला बूंदी का देना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं दिन में शायद ही खाऊंगा इसलिए मैं अभी ज्यादा खा रहा हूँ। सुबह इसको चपका लेता हूँ, इसके बाद मिलूंगा आप सबसे। इधर की साइड भी कराना है तो उसका सामान हमने यहीं पे इसी में रखते हैं। तो भाई यहाँ पर पूरा का पूरा हो रहा है इधर, क्योंकि इधर की साइड भी टूट रखा था सारा का सारा। तो मैं अब दिखाता हूँ क्या क्या हो गया यहाँ पर। ये यह देखो पूरा लगा दिया, पट्टी लगा दी इधर, इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दिया पूरी। अब क्या है कि जो पट्टी लगा रखी ना इसे सूख जाएगा ना, पूरी पट्टी जो लगा रखी है, तब इसमें ना पेंट कर सकते हैं। प्लेन हो रखा है मतलब, सॉरी क्या नाम रखा है आपने इसका? राधा। ए दवाई तो इसको पिला दी, तो ये दवाई होगी इसके पास चलेगी, अब इसको पीने दो। सो मम्मी ने इस सुवन्नी का, सॉरी तो मतलब क्या नाम रखा आपने इसका? इसका नाम राधा। तो मैं वही कल से भी मेरे को हो रहा है इसको, मैं सुवन्नी नहीं बोल रहा, एक ही बार बोलना तो फिर ध्यान आ रहा। हाँ मम्मी ने बोल रखा है इसको सुवन्नी नहीं बोलना। कौन कुकी इसका? वैसे मैंने नाम बनूली, बननी तो है ही, बनूली बनूली कहता हूँ। राधा है वो, राधा है, उसको सुअर नहीं बोलना। ठीक है नहीं बोलता, सुअर बोल बोल के सुअर जैसे हो जाएगी। होता है क्या सर? और क्या यहाँ इसकी है क्या, इसको जैसे बोलो तो स्वभाव वैसे ही हो जाता है। मैं आपको हीरो समझता हूँ पर मैं हीरो तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इसके चूजे सो रहे हैं छह के छह, पेलो इनको। तो भैया अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कितना काम हो रहा है। वैसे मैं भी आपको बता ही रहता, देखो अभी आवाज आ रही है पापा बाहर की साइड में, मतलब घर में हल्का सा क्रैक है बाहर की साइड, तो वहाँ पर पापा उसको ठोक के, जैसे अभी पापा प्लास्टर कर रहे थे उधर की साइड, नीचे की साइड तोड़ के वहाँ पर मसाला डाल रहे हैं, तो वहाँ का भी काम हो जाएगा। और बाहर आपको दिखाता हूँ जो पूरी पुट्टी हो रही है, पुट्टी कहते हैं उसको वैसे, तो दिखाता हूँ सबको। अभी तो हो चुका है और अब करना है अंदर वाले कमरे का। भैया यहाँ का हो गया ना, ऊपर की साइड का पर्दे हटा दो, इधर का भी तो उठाना पड़ेगा ये, तो इसको भी हटा देता हूँ, तो इसको पूरे निकाल देता हूँ ऐसे। उधर रखना है, क्यों कर रहे मार खाने के काम में? कंट्रोल करने चाहिए, जिम बंदा यार मजा कर रहा है। इसको पर्दे हटा दे, पत्ता कैसे रख दे, ये धुले हुए पड़ते हैं सारे, दोबारा दोबारा कौन धो सकते हैं? और तो इसको ऐसे कवर कर लेना और क्या। और अब होगा यहाँ का काम शुरू, कर रहे तो फिर अभी खाना खा लो, अभी रहने दो वो तो करो। आपने पूरे तोड़ दिए यहाँ का, वहाँ का पीछे गली का तो कर दिया ना, है पीछे गली का हो गया, यहाँ का आपने अभी टूटे रहता दोबारा। अभी इसे 20% ही काम हुआ है, जितना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ का मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पर यहाँ का उन्होंने अच्छे से कर दिया, और उस टाइम गीला और रखा था इधर, पर ये सूख चुका है इधर भी, यहाँ पर भी देखो पूरा सूख चुका है, देख रहे हो। अब इसमें करना है पेंट, वो देखते हैं शाम को होगा क्या होगा। और इधर की साइड का थोड़ा सा गीला है क्योंकि अभी भी कर रखा है इधर का,
तो यहाँ का भी चलो अच्छे से हुई गया, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान होगा दरार दिखती थी यार। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा वाला तो देखो, जिसमें दरार वाला मैंने डाला था वीडियो, तो उसमें कितनी बड़ी दरार आ रही थी। और इधर तो भाई इतनी बड़ी दरार आ रही थी जैसे ईंट निकल रही होगी, पर इधर भी अच्छे से कर दिए। और यहाँ का भी हो चुका है, इस कमरे का रह चुका है और इस कबर्ड का रह रहा है अभी। इधर कभी हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इधर भी, इधर भी, ये अगर भी। पर यार मैंने एक चीज देखा कि ना, वो भैया को जहाँ पर भी दरार दिख रही है, चाहे हमें भी ना दिख रहा हो कि अच्छा इधर की साइड भी दरार थी, तो वहाँ पर भी भैया करके गए। ये देखो ऊपर भी कर दिया बिल्कुल। तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर डिस्प्ले आपको हो चुका है पहले, उन्होंने खुद ही बताया था। और इधर कभी कर दिया, वहाँ कभी कर दिया, इधर कभी कर दिया, इस वाले कमरे में अभी नहीं करा, करेंगे मम्मी अभी बनी बनी के साथ। और इधर कभी, यहाँ कभी, इधर कभी, इधर कभी, इधर कभी, इधर कभी, ये देखो बस इधर का रह गया। सुबह रात के बज रहे अभी 8, आप देख लेते हैं टाइम, 8 बज रहे हैं अभी। और अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ कि मम्मी ने बना रखे हैं छोले और भटूरे भी मम्मी थोड़ी देर में बनाएगी। तो छोले भटूरे वाले छोले बनाए मम्मी ने, तो एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ अभी। और क्या डाल रहे हो इसमें आप? सब्जी डाल रहे हैं और हाय धनिया डाल रही हूँ। और खुशबू जो इसकी आ रही है ना, अलग ही बिल्कुल, जो छोले भटूरे वाले छोले में होते नहीं। तो कभी बार बता, नॉर्मली घर में बनाते हैं तो एक ही स्वाद आता है, पर इसका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं इसको भी टेस्ट करके देखता हूँ कि हाँ मेरा टेस्ट का मजरा। भटूरे बनने शुरू हो चुके हैं, ये है भटूरे का आटा। तो देखते हैं मम्मी कैसे बनाती हैं। और आपको बता देता हूँ, ये हम कर रहे हैं रिफाइंड का यूज, तेल का यूज नहीं कर रहे। और यहाँ पर बन रहा है मम्मी के लिए अलग से सब्जी, क्योंकि मम्मी को ज्यादा मसालेदार पसंद नहीं है, तो मम्मी बना रही है अपने लिए अलग से। अब देखते हैं भैया भटूरा बनता है या पूरी, कोई भी बन सकता है। चलो ये बनना शुरू। ये भाई ये तो भटूरे ही बन रहा है। हाँ यार, हाँ रे छूटते ही बन गए। तो भैया भटूरे भी हो चुका है रेडी। सो भाई आज के ब्लॉग इतने रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप सब भी खुश हैं, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।